કેમ છો આનંદ ભાઈ? મજામાં સાહેબ, મજામાં. અભી રાજકોટ માં આપકા સ્વાગત હે. સ્વાગત હો ગયા. इसको बोलते हैं गुड लक. चलिए कोई बात नहीं, तो राजकोट में स्वागत हो गया. स्वागत हो गया. और अभी नवरात्रि चल रहा है, तो माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं, खाने का, फूड वॉक का. चलिए. अभी क्या है, रूटीन दिनों में इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं रहती. अभी नवरात्रि चल रहा है ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ है. ये मंदिर का नाम क्या है? आशापुरा माता जी. ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना. लेकिन कल बहुत अच्छा रहा. कल शाम में जो आप हमें नवरात्रि गरबा दिखाया, वो बहुत बहुत मस्त था. मतलब मज़ा आ गया. अनिल भाई, ये गरबा का कब से आपके यहाँ पे आयोजन हो रहा है? पिछले 11 साल से हम लोग राजकोट के ये जो लॉर्ड्स ग्राउंड बोला जाता है खेले, या जो प्लेयर्स होते हैं हमारे गरबा खेलने वाले, उनके बीच में ये ग्राउंड को लॉर्ड्स ग्राउंड बोलते हैं ये लोग. तो ये वीरानी ग्राउंड है जो राजकोट में स्थित है, सिटी के मध्य में है, और पिछले 11 सालों से हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो उसकी तैयारी कितने दिन पहले शुरू हो जाती है? कम से कम 2 महीना पहले से ये सब पूरा प्रिपरेशन हो जाता है. और इसमें जो लोग गरबा खेलने के लिए आते हैं, उनको क्या आप लोग खिलाड़ी बोलते हैं? खेलैया, हमारा गुजराती काठियावाड़ी जो वर्ड होता है, इसको खेलैया बोलते हैं हम. तो ये लोग, इनके इनका प्रोसेस क्या होता है? इनके टीचर्स हैं जो इनको सिखाते हैं, उसके ये लोग आके यहाँ पे खेलते हैं? अनुभव जी, आपको जान के ताजुब होगा कि ये नवरात्रि पूरा होता है दशहरा को. दशहरा के बाद 20 या 25 दिन छोड़ के दिवाली का त्यौहार पूरा होते ही ये लोग अपना आने वाले साल की तैयारियां शुरू कर देते हैं. जो पूरा साल, राउंड द ईयर, इनका पूरा प्रैक्टिस चलता रहता है. और अभी जो नवरात्रा से 2 महीने पहले, तो ये लोग इतना रिगोरियस एक्सरसाइज वगैरह अपनी स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए करते हैं
कि पूरा बहुत मेहनत लगता है इस पूरे गेम खेलने में। बिल्कुल, मैंने देखा, मतलब इस तरह से कम से कम नहीं मुझे लगता, मुझे छः घंटे ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप फुल एनर्जी के साथ, फुल स्टेमिना के साथ। मैं आपको बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी खेलियाओ की, इनकी डेडिकेशन की, क्योंकि ये 2 महीने से अपना डाइट चेंज कर देते हैं, बहुत ही लाइट फूड पे या फ्रूट्स पे ये लोग चले जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपना फिजिकल वर्कआउट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कई ऐसे खिलैया हैं जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर रोज का रनिंग करते हैं, 2-2 घंटे का रिगोरियस प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ये लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताइएगा, जैसे मैं शाम से देख रहा हूँ कि पहले सब लोग एक साथ, मतलब क्या बोलेंगे आप, खेल रहे थे या फिर डांस कर रहे थे, ग्रुप डांस कर रहे थे, उसके बाद फिर डांडिया शुरू हुआ, उसके बाद फिर, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या है इसमें, क्या होता है? ये हर गरबा का एक अलग अपना मॉडल होता है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। गरबा इटसेल्फ बोला एक वर्ड में जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो हर स्टेप्स में ये लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। उस हिसाब से सॉन्ग्स, उस हिसाब से स्टेज पे जो सिंगर्स होती हैं उनकी स्क्रिप्ट्स भी बनती हैं, तो उस हिसाब से वो हर राउंड को हम लोग स्क्रिप्ट वाइज फिक्स करते हैं, स्टेप वाइज फिक्स करते हैं, और खिलैया हर तरीके के स्टेप्स को इंजॉय करते हैं। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कोई स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए कोई आपके फोक डांसर्स आए हुए थे यहाँ पे? अनुभव जी, ये बड़ी प्राउड की बात है कि पूरे इंडिया को इंटरनेशनल जो आर्ट्स फेस्टिवल्स होते हैं उसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो खिलैया ग्रुप इस बार आजकल के साथ जुड़ा है, और आजकल में हर एक दिन वो अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। ये वो परफॉर्मेंस है जो परफॉर्मेंस उन्होंने इस साल तुर्की में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए किया था, वही डांस वो यहाँ पर आजकल के स्टेज से परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे खिलैया, ये हमारे व्यूअर्स सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज था जो हमने आज उसको रिवील किया है। अच्छा, मैं तो पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पूरा गरबा जो आपके गुजरात में होता है, तो इसमें ऐसे माता की वहाँ मूर्ति है बीच में और एक सेंटर पे भगवान वहाँ पे है, तो कैसे पूरा कैसे शुरुआत होती है? शाम में पहले आरती होती है, उसके बाद फिर बेसिकली ये जो नवरात्रि है ये नवरात्रि से बना हुआ नवरात्रि शब्द है, तो माता जी के अलग अलग स्वरूप होते हैं जो हर दिन के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से उसका ड्रेसिंग होता है, उनकी पूजा होती है। तो आरती तो हम एक माँ जगदम्बा की आरती करते हैं, जो शुरू होने से पहले वो आरती होती है, उन्हीं का एक रेप्लिका स्टेज पे होता है, क्योंकि जैसे खिलैया खेलने के लिए हैं वैसे ही स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिस्ट है वो भी नवरात्रि में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी माता जी को साक्षात रख के हमारा परफॉर्मेंस दें। पहले के समय में ऐसा होता था कि जैसा कि जो लोग गरबा करते थे सर्कल में, बीच में कुछ जोत होती थी या फिर माता की रख के ऐसा कुछ करते थे क्या? ये आज भी होता है अनुभव जी, लेकिन ये जो होता है वो सोसाइटीज़ में, एरिया में, मोहल्ला में या छोटे कस्बों में ये सब चीज़ें होती हैं आज भी। उसको हम बोलते हैं कि प्राचीन गरबा जो सालों से चला आता है, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एक गरबा रखा जाता है, माता जी की मूर्ति रखी जाती है, आरती रखी जाती है, या फिर आपने यहाँ पर जो स्टेज पे देखा उस तरीके का एक गरबी हम उसको बोलते हैं, वो गरबी रखा जाता है, तो आज भी वो होता है, पर वो जो होता है वो प्राचीन होता है, जब इसको हम अर्वाचीन कहते हैं, ये फ्यूज़न होता है, इसमें आपको प्राचीन भी गरबे मिलेंगे, इसमें अर्वाचीन भी मिलेगा, इसमें बॉलीवुड भी मिलेगा, इसमें गुजराती रैप भी मिलेगा, तो ये गरबा का बदलता हुआ रंग है, बदलता हुआ रंग है। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है कि गरबा क्यों बनाया जाता है? इससे पीछे एक ये होता है कि ये माता जी का त्यौहार है, तो माता जी के त्यौहार में ये खुशियों का भी त्यौहार है और माता जी का आराधना करने का एक ये जरिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में अनुष्ठान करते हैं, कोई मौन व्रत धारण करता है, कोई उपवास करता है, बहुत सारे लोग ये हैं जो ये साल में वैसे 4 नवरात्रा होते हैं, ये जो नवरात्रा हैं वो सबसे बड़े नवरात्रा गिने जाते हैं। यहाँ से आपको ये भी बता दूँ, यहाँ से करीब 250-350 किलोमीटर दूर माता जी का मठ है जहाँ पर साक्षात माता जी विराजमान हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ तक चल के जाते हैं, और
रास्तों में इनके लिए सेवा के बहुत सारे मठ भी लगते हैं, तो ये लोग वहाँ चल के जाके अपनी माता की भक्ति की आराधना करते हैं, कोई यहाँ पर अनुष्ठान से करता है। उसी तरह खेलियाओं का ये एक है कि वो खेल के माता जी के लिए, माता जी के गरबे का कि वो अपना भक्ति और आराधना करते हैं। जैसा मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत कि जैसे जो महिषासुर का वध किया था माता ने, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है ये डांडिया और गरबा के ज़रिए से, तो वो भी एक इसकी महत्ता है। धन्यवाद अनिल भाई। थैंक यू अनुभव जी। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा ये। तो पहला अनुभव था ये जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। चलिए बढ़िया है, अनुभव का अनुभव अच्छा, अनुभव का अनुभव अच्छा रहा, ये हमारे लिए अच्छा अनुभव रहा। हेलो हेलो, बस लाइन दो बोल सही हो तो बाद में होगा। प्रसाद मणि जय श्री राम। आपने बोल दिया थोड़ा बाजू में लाइन, बहुत ही अच्छी धार्मिक शुरुआत रही दिन की। yes. राजकोट में yes. अब चलते हैं, पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करते हैं और राजकोट की फेमस जो चाय है उसकी चुस्की लेते हैं। आइए आइए। ये गिनती रहता है कितना पत्ती डालना है? गिनती से आता है, तो गिनती नहीं होती, मेरे ये सब गिनती से चलता है, कितना दूध आया उसके बाद इतना डालना पड़ता है, चीनी डालना पड़ता है, सब बराबर बैलेंस रहता है। सब बराबर बैलेंस। तो 25 साल मायने रखता है। 25 साल वो तो है ना यार। अब चीनी डालेंगे। ये कितने किलो का चाय बन रहा है, कितने लीटर है दूध? ये 2.5 लीटर है। और इसमें कितना चम्मच चीनी वो डाला, चाय पत्ती? 10। अच्छा, अब चीनी कितना जाएगा? वो भी 10। अच्छा, 2.5 लीटर दूध में 10 चम्मच चीनी, 10 चम्मच चाय पत्ती। हाँ। और इलायची कितना जाएगा? इलायची 5 जाएगा। 5 इलायची। क्या बात। अब इसको पकाएंगे। मतलब लगता है मेरे को मेन टेक्निक पकाने का है, कितना देर तक पकाते हैं? मेन तो पकाने का ही है। राजकोट में हर जगह कलछी चलता रहता है। मैंने चाय पीते मैं कोटा में देखा था, कोटा में भी कलछी चलती है। कोटा की कलछी छोटी है, राजकोट की कलछी जो है वो बड़ी है। यहाँ पे है ना पूरी पका देते हैं, चाय को पूरा पका एकदम कड़क कड़क बोलते हैं ना, वो खोलाते हैं तभी तो स्वाद आता है चाय में। अभी तो आता है ना, ये ऐसे कच्ची चाय इसमें क्या स्वाद रहेगा। तो ये कोयले में पकाते हैं? कोयला है ये, तो वो वाला कोयला नहीं है, लकड़ी का कोयला नहीं है। लकड़ी नहीं है, पत्थर ही है, बोलते पत्थर, पत्थर वाला कोयला है। पत्थर वाला। इधर आपका हाथ चल रहा है, उधर चाय भी उबल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये चमचा है ना, बड़ा वाला चमचा। चमचा ये तो चमचा, बहुत बड़ा चमचा है। वो चम्मच है, उसको चमची कहते हैं गुजराती में। वो चमची है, चमचा है, ये चमचा है, बड़ा वाला चमचा। क्या बात। पहले भगवान को चाय चढ़ाए हैं? नियम है। कौन से भगवान को चाय चढ़ाते हैं? सूर्य नारायण भगवान को। अच्छा, अब अग्नि देवता को। अग्नि देवता। क्या बात। अब दुकान शुरू, अब है ना, अब बिक्री चालू। ये कैसे देते हैं चाय? हेलो राजू भाई, ये क्या तरीका है चाय का? क्या बोलते हैं गुजराती में? रकाबी गुजराती में। मेरे को भी रकाबी देना। अभी सौराष्ट्र में इसको अडारी बोलते हैं। अडारी अडारी अडारी। ये आ गए हम काठियावाड़ में। ये चाय ऐसे देते हैं प्याली में, मतलब रकाबी। रकाबी जय माता दी। अडारी जय माता दी। वाह क्या बात है संजय भाई, इलायची का बहुत ही उम्दा जायका है। एकदम कड़क चाय, क्रीमी, अच्छे से पकी हुई। तो इसमें डालने से चाय ठंडी भी हो जाती है, उसमें वो आपको जो फ्लेवर है ना वैसे नहीं आएगा, गर्म रहेगा ज़्यादातर। वो भी है, और जो बताऊँ इसके पीछे एक मतलब ये भी रीज़न है कि जब चाय में आप
आवाज़ निकाल के पीते हैं, स्लर्प करते हैं ना, उससे फ्लेवर आता है, उससे मुँह में ऑक्सीजन के साथ में चाय में घुलता है तो फ्लेवर और निखर के आता है। तो इसलिए लोग जो पुराने ज़माने में लोग प्याली में चाय ऐसे लेते थे और पीते थे, तो फ्लेवर आप कप में पीजिए और इसमें पीजिए और आवाज़ निकाल के पीजिए, फ़र्क है ना, बहुत बढ़िया चाय। हाँ क्या बात है संजय भाई, मज़ा आ गया। ये कितने का देते हैं रकाबी? रकाबी 10 रुपये वाला ही है। 10 रुपये रकाबी है। अभी गुजरात में सबसे महंगी चाय राजकोट में ही मिलती है। ये सब आप राजकोट के बाहर जाओगे तो 5 रुपये में भी चाय मिलेगी। और पावनगर है, जामनगर है, सूरत है, 5 रुपये की चाय मिलती है। ये कटिंग है, यहाँ पे 10 रुपये 12 रुपये 14 रुपये से मिलती है कटिंग। महंगा है ना, मतलब इतने देर पकाते हैं तो खर्चा भी तो है, कोयले का खर्चा, दूध का खर्चा, पत्ती का खर्चा और मेहनती है। और चाय भी ऐसी नहीं मिलेगी बाहर और कोई जगह पर। अच्छा संजय भाई, खूब खूब आभार, थैंक यू, फिर मिलेंगे। संजय जी के यहाँ चाय बहुत अच्छी थी। अभी ये खेतला आ पाए हम लोग, ये अभी पास में ही खेतला आ पाए, वहाँ आपने छोटे स्केल में देखा, यहाँ पे बड़े स्केल में आपको दिखा दे कैसे चाय बनती है। और एक जो बात है ना, आप कोई भी यहाँ पे सौराष्ट्र में चाय की दुकान पे जाएंगे ना, पास में वो पान वाले की शॉप होगी, उसके आसपास वो गाठिया भी मिलता होगा। अभी हम चाय का टेस्ट करते हैं। और ये जो ब्रांड है खेतला आपा, शायद राजकोट में बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, बम्बई में भी मिलेगा, थाईलैंड में भी मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं। तो अभी देश विदेश हर जगह है, हर जगह है खेतला आपा चाय। मैंने फर्स्ट टाइम इनकी चाय पी थी अहमदाबाद में, और ठेपला भी खाया था वहाँ पे साथ में। तो ये अच्छा आपने बताया कि चाय भी है, नाश्ता भी है और पान भी है, सारा इंतजाम एक ही जगह पे। वो सौराष्ट्र का ये एक क्या है, वो कल्चर मॉडल है, वो पास में ये सब चलता ही है। चाय है तो पास में वो पान वाला हो गई, मावा मिलेगा तम्बाकू। चलिए तो हम लोग पहले चाय पीते हैं, फिर थोड़ा मावा भी खाएंगे। तो 20 लीटर फुल फैट मिल्क, फुल क्रीम मिल्क में 200 ग्राम चीनी मिला के इसको उबाला गया। अब दूसरे बर्तन में पलट के अब चाय पकाई जाएगी। तो चाय पकाई जाती है वो पत्थर के कोयले में पकाई जाती है। दो रखा भी, बस चलिए। खेतला आपा का फेमस चाय, बस ये तो एकदम ऐसे गाढ़ा लग रहा है, गाढ़ा दूध एकदम गाढ़ा है। देख रहे हो आप कलर, मतलब साइड से कलर देखो आप। हाँ क्या बात है, ये नॉर्मल दूध नहीं है, एक कंडेंस्ड मिल्क, मतलब दूध जैसा गाढ़ा हो जाता है पकाने के बाद, एकदम क्रीमी, मतलब मुंह में जाके एक लेयर बन जाती है इसकी। अभी ये चाय का जो मिल्क भी आता है ना, वो भी वो फैट में ज़्यादा रहता है, एकदम गाढ़ा रहता है, उसको उबलने से ये बनता है। और यहाँ पे देखिए आप पीछे, ये सब नाश्ते के लिए है, थेपला, गुजराती थेपला, साथ में अचार भी है, साथ में अचार भी है। और ये क्या है, पूरी 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 मट्टी मट्टी टाइप है ना, तो इसको चाय के साथ लेते हैं, चाय के साथ खाते हैं। ये फ्लैट पूरी है, पूरी तो फूला हुआ होता है, ये इसको कट ला के थोड़ा चिपटा कर दिया है, मसालेदार है,
मसालेदार है, खस्ता रहता है ये, नमक और थोड़ा लाल मिर्च हल्का सा, चाय के साथ अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा मीठा और नमकीन दोनों स्वाद आ जाता है। भाई चाय तो हो गई, अभी आप वो बोल रहे थे ना ये सब मावा क्या है, वो दिखा था तंबाकू वाला, राजकोट का मावा। तो ये जो मावा है उसमें सुपारी है, तंबाकू है और चूना है, तीनों को और इसको पेपर में रख के फिर इस पर रब करते हैं, रगड़ के बनाते हैं। तो ये क्या सिस्टम है, ये हर दुकान पे, पान की दुकान पे मिलता है? रगड़ने के लिए। तो हाथ से भी रगड़ सकते हैं? हाथ पे, हाथ में कर सकते हैं। ये अभी पूरा दिन ये रगड़ना है तो एक हाथ तो अच्छा रहे इसलिए। तो ये तो पूरा घिस जाता है रगड़ते। ये बढ़िया लकड़ी के फट्टे पे बनाया हुआ है, एकदम हल्का हल्का। रंग देखो, रंग पूरा बदल गया है। तो ये मावा बन के तैयार हो गया है। और ये इनका स्मेल है। हाँ, ये तंबाकू है ना, ये 135, ये नंबर रहता है, क्वालिटी का नेम रहता है, ये 135 है। हाँ, ये 135 मतलब 135 नंबर। देखो ये सब अलग, तो कौन सा वाला मिलाया हुआ है? 135। यही का लोकल बनता है, गुजरात का है? लोकल नहीं है, कानपुर से आता है। इसको पड़ा बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं आता, एकदम देसी है। अभी स्ट्रॉन्ग है, तेज है ना। अभी ये चूना राजकोट के बाहर इतना कहीं पे भी डलाओगे ना तो मुंह फट ही जाएगा। यहाँ पे ये चूने की प्रोसेस होती है इसलिए मुंह ऐसे फटता नहीं। एक मावा तो जो पूरे हिंदुस्तान में खाया जाता है वो दूध का मावा होता है, ये राजकोट का मावा है। मतलब ये कि हल्का सा बस होता है खाने से ना, निकोटीन आता है ना इसमें, तो कई जो जिसको व्यसन रहता है वो क्या है, उसको एक करंट लगता है इससे। तो पेड़ा बोले तो पेड़ा तो गुजराती में पेड़ा पेंडा हो जाता है, पेंडा। यहाँ तो लिखा हुआ है गुजराती में शुद्ध घी, दही, श्रीखंड, सादो श्रीखंड, सिंपल श्रीखंड, ड्राई फ्रूट श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, केसर श्रीखंड, वेनिला ड्राई फ्रूट श्रीखंड, बटर स्कॉच श्रीखंड, मैंगो श्रीखंड, बासुंदी। बस इतना आगे नहीं पढ़ सकते। हमारी अन्य कोई पर जगह बीजी ब्रांच नहीं, दूसरी कोई ब्रांच नहीं इन लोगों की। केसर पेंडा आप जो फेमस है थोड़ा टेस्ट कराओ ना, केसर पेंडा, सफेद पेंडा, ठाबड़ी। तो इस पेंडा वाले का दुकान का नाम मंदिर के नाम पे है। हाँ, जो माता का मंदिर। हाँ, है आशापुरा। कितनी पुरानी दुकान है ये? 70 साल पुरानी दुकान। ये दूध का बना हुआ सफेद पेंडा है जो ज्यादा मशहूर है राजकोट में। ये केसर से बना हुआ केसर पेंडा है, ये मावे से बना हुआ है पेंडा, मावा पेंडा बोलते हैं इसको। ये दूध की बर्फी है, इसको बोलते हैं थाबड़ी। इसमें वो जो फटकड़ी बोलते हैं ना, वो पानी अच्छे करने के लिए फटकड़ी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड क्या होगा उसका, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसका, वही मेरे को नाम नहीं पता मीनिंग उसका। जो सफ़ेद रहता है वो पानी अच्छा करने के लिए भी, फिटकरी जो दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिटकरी। हाँ, तो जब वो दूध बनता है ना एकदम वो गाढ़ा रहता है, उसको वो फाड़ने के लिए वो फिटकरी डालते हैं, तो क्या है वो दाना दाना होता है इसके लिए, थाबड़ी बनाने के लिए। मेरा फेवरेट है, मिल्क केक है ना, फ्रेश मिल्क केक, फ्रेश। यहाँ पे अभी जहाँ पे आए ना सब मिठाई रेगुलर सुबह से शाम तक बनती है, सब फ्रेश होगा, एकदम फ्रेश होगा। और मीठा तेज नहीं है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। और ग्रैनुलर क्या बोल रहे थे आप? कणीदार थापड़ी। ये सफ़ेद वाला भी वही है? हाँ, नहीं वो अलग है, वाइट बर्फी। दानेदार, ये ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये जगह जिसके लिए मशहूर है
पेंडा, ये केसर पेंडे के लिए। मेरे को समझ नहीं आया, ये आपने बोला ये मावा का पेड़ है ब्राउन वाला, ये दूध का है, दूध से तो मावा बनता है। ये गाय का दूध का, ये गाय के दूध का है और ये भैंस के दूध का बना, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा चाहिए ये बनाने के लिए, ये कम फैट में से बनता है, समझे आप। ये 8 फैट में बनता है और ये 5 फैट में बनता है, 2 फैट का कम वो फर्क, अभी हमको 2 ही लगेगा तो उसमें ज्यादा रहता है, 8 और 5 तो 3 फैट का फर्क हो गया, 3 फैट का। आइए पहले मैं केसर वाला चखता हूँ, पहले फैटी खाते हैं उसके बाद कम फैटी खाएंगे। लीजिए, वाह एकदम सॉफ्ट है, अरे मुंह में आप डाल के देखो फुल केसर का स्मेल आ रहा है, खुशबू भी है और टेस्ट भी है, क्या बात है। सुबह से शाम तक यही बनता केसर पिंडा, यहाँ के सब लोग जो भी आते हैं ना ज़्यादातर ये केसर पिंडा लेने के लिए आते हैं। तो आपका फैक्ट्री कहाँ पे, कहाँ बनता है? अच्छा यहाँ बनता रहता है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक बना रहता है। ये गाय के दूध से तैयार किया गया पिंडा, इसमें फैट की मात्रा कम है, चीनी की मात्रा देखते हैं कितनी है, माप में ही होगी कंपेयर टू केसर, थोड़ा इसमें चीनी तेज है, जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो इसमें है, जो दूध को अच्छे से भुनाई की जाती है, मतलब मावे को भुनाई करते हैं उसकी खुशबू है इसमें, सौंधापन है इसमें, बहुत शानदार। अब ये लास्ट है सफ़ेद पेंडा, सफ़ेद पेंडा ये भी बहुत फेमस है राजकोट में, ये मलाई वाला टेक्सचर है इसमें, सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं ये दोनों पेड़ है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया केसर वाला, केसर वाला ये तो मास्टर ही इनकी। ये प्राइस क्या रहती है केसर पेंडा की? 680 680 तो करण भाई ये आपका वर्कशॉप है जहाँ पे पेड़ा बनता है, पेंडा बनता है, और यहाँ पे 2 कढ़ाई में क्या क्या काम हो रहा है? इसमें दूध गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करने के बाद उसमें पकता है, दूसरी बटी में पहले में दूसरा गाढ़ा करते हैं, अभी उसके बाद फिर उसमें दूध बाद पकता है, उसके बाद पेड़ा रेडी होता है। अभी क्या उसमें केसर पेड़ा बना हुआ आपको दिखा, देखना आइए देख, ये थापड़ी बना है, थापड़ी थापड़ी ये थापड़ी, इसमें दाने दाने होते हैं और ये पेड़ा का मावा उसमें केसर डाल के केसर पेड़ा बना, ऊपर ये मावा है ये वाइट वाला मावा, ये कितना चीनी डालते हैं कितने दूध में? ये 10 लीटर दूध है, 400 ग्राम चीनी डालते हैं, 10 लीटर दूध में 400 ग्राम चीनी, बस ज़्यादा नहीं है, बराबर है, सबसे कम राजकोट में पूरा हमें बना रहे हैं कम चीनी का, अच्छा है सेहत के लिए, अच्छा सेहत के लिए अच्छा है, और डायबिटीज वाले भी खाते हैं। तो उसको पेड़ा का शेप कहाँ पे देते हैं? वो आगे दुकान है, तो यहाँ पे इसको मावा को पेड़ा का शेप दे रहे हैं, हैं? और ये स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लगा रहे हैं, स्टैंप मतलब क्या, खाली चिपटा कर रहे हैं हल्का सा बस। और एक पेड़ा का कितना वेट होता है? 25 ग्राम बस हो गया। अच्छा बहुत लोग ऐसे हाथ में करते हैं, आपका देर लगता है इसमें, अपना फैलाया और साथ में लड्डू बनाया और उसके बाद इसको चिपटा कर दिया, एक करके देखूँ मैं कितना हल्का सा करना है ना, बस इतना ही, तो इतना सॉफ्ट है, अभी फ्रेश है ना बिल्कुल मावा, इसलिए सूखने देना पड़ता है इसको 5-6 घंटे। इसमें कुछ वो तो डालते नहीं है फ्लेवर के लिए, इलायची वगैरह कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ दूध और चीनी है, दूध और चीनी बस। ये इतना नाजुक पेड़ा है बिल्कुल फ्रेश, मतलब इसमें तो इसको खाने के लिए दांतों की ज़रूरत भी नहीं है, इतना मुलायम है, हल्का फुल्का जो कलाकंद होता है ना उससे भी टेक्सचर मिल रहा है इसका, और मीठा बिल्कुल बराबर। जैसा सर बता रहे थे कि 10 किलो दूध में सिर्फ 400 ग्राम चीनी डाली जाती है,
मतलब ओवरली स्वीट नहीं है, मज़ा आ गया। अच्छा विशाल भाई, अच्छा करण भाई, सारू छे चलिए बढ़िया। अभी हम आए राजकोट में लॉटरी बाज़ार में, यहाँ पे अभी हम नाश्ता करेंगे, पूरी साग और दाल पकवान, सिंधी दाल पकवान। ये सब पूरी साग खा रहे हैं? हाँ, ये सब पूरी साग खा रहे हैं। साग मतलब बोले तो सब्जी? सब्जी है? और उसमें भी ऑप्शन रहेगा 3-4 प्रकार का अलग अलग, जो भी आपको सब्जी पसंद हो। यहाँ पे जो सब्जी रहेगा वो काठियावाड़ी रहेगा, गुजराती नहीं, काठियावाड़ी। इस दाल पकवान के बारे में बात करते हैं। हाँ। जो यहाँ पे दाल इस्तेमाल की गई है वो चने की दाल है और मूंग की दाल है। जो पकवान है इसमें मठरी या जो पापड़ी होती है वो है, जो मैदे से तैयार की जाती है। उसके बाद इसमें कई तरह की चटनी डाली गई है, जिसमें एक इमली की चटनी है, लहसुन की चटनी है, पुदीने की चटनी है और नीली चटनी है। नीली चटनी किससे तैयार होती है? मूँगफली के दाने होते हैं, मिर्च होती है, नींबू होता है, नमक और हल्दी, उनसे तैयार होती है। मगर उसका जो टेस्ट आता है नेक्स्ट लेवल होता है। सौराष्ट्र में खास करके ये राजकोट में ही बनाई जाती है और यहाँ से पूरा गुजरात में जाती है, आउट ऑफ इंडिया भी जाती है। अच्छा। और जो एक बार ये चटनी का वो स्वाद ले लेना, वो दूसरी बार मंगवाई गई वैसा है। तो मतलब हर एक चीज़ के साथ खाते हैं? हर एक चीज़ के साथ। शुरुआत जहाँ से हुई ना, वो उसकी चिप्स, पोटैटो चिप्स है ना, उसके साथ खाई जाती थी। फिर वो चेवड़ा बोलते हैं यहाँ पे गुजराती में। मगर अभी क्या है, पूरे राजकोट में दाल पकवान हो, हॉट डॉग हो, दाबेली हो, वड़ा पाव हो, सभी साथ, सभी चीज़ों के साथ वो खाई जाती है। तो ये जो इसमें काठियावाड़ी टच ऐड किया गया है, तो ये लाल रंग की चटनी जो है, हाँ, लहसुन वाली, हाँ, और इमली चटनी है, हाँ, है? तो वो लहसुन और लाल मिर्च से बनाई हुई है। तो इतना राजस्थान में भी काफ़ी खाते हैं ये, तो हाँ, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। सौराष्ट्र में भी बहुत रहता है। और कांदा है? यस। कांदा को क्या बोलते हैं गुजराती में? डुंगरी। डुंगरी, यस। आइए सर, जायका लिया जाए दाल पकवान का। असल में होता है क्या, दाल पकवान में जो दाल होती है वो ब्लेंड होती है, मतलब उसमें मसाले नहीं होते। मसाले नहीं होते तो उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए ये चटनियों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। और जीरा बन भी है, भुना जीरा डाला हुआ है इन्होंने। तो ये तो रही दाल पकवान। हाँ। चटपटी, तीखी और सुपर गार्लिक की, जो कि चटनी के कारण हुआ। साथ में यहाँ पे अलग अलग कॉन्डिमेंट्स हैं जो कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जायका ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं आनंद भाई? रायता मर्चा, मतलब राई का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और ये प्याज है, ये पपीते का लच्छा है, इसको क्या बोलते हैं? पपीता आप बोलते हैं ना। हम गुजराती में पपैया, पपाया, अंग्रेजी में पपाया, तो गुजराती में भी अंग्रेजी शब्द ही है पपाया, पपैया नो संभारो, संभारो। और ये तली हुई हरी मिर्च, साथ में नमक और नींबू। तो ये सब चीज़ें अपने हिसाब से, आपको अगर तीखा करना है, थोड़ा मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, वो आप कर सकते हैं अपने खाने को। ये 5 तरह की भाजी है जो कि पूड़ी के साथ आती है, जिसको साग बोलते हैं। हाँ। सब्जी को इसमें छोले हैं। हाँ। सेब टमाटर, ये काठियावाड़ी है, सेब टमाटर, सेब टमाटर। साथ में ये लोबिया है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में? चोली, चोली, चोली। आलू की सब्जी, रस्से वाली और सूखी सब्जी, आलू की भाजी, इसको बोलते हैं सूखी भाजी, सूखी भाजी। पूरी और गुजराती थेपला रहता है ना। हाँ हाँ। उसके साथ भी ये खाया जाता है। हाँ हाँ, क्या बात है सर, आइए। वाह, पूरी एकदम फुली फुली बनाई है इन्होंने, और साइज भी एकदम छोटा है, बेबी पूरी है, बेबी पूरी। उसको आपकी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है इसमें? सेव टमाटर। सेव टमाटर, चलिए मैं भी सेव टमाटर से शुरू करता हूँ। बॉली तो है, गार्लिक ही है, लहसुन बहुत तेज है, हाँ, और तीखा भी है। इसमें चीनी नहीं डालते, अगर यह सब्जी अहमदाबाद साइड जो बने तो इसमें चीनी भी डालते, यहाँ पे चीनी कम डालते, दाल हो या सब्जी हो। ज़्यादातर लोगों को क्या है, गुजराती खाना है ना बहुत मीठा रहता है, ऐसा रहता है। मगर यह सौराष्ट्र में आएगा ना, राजकोट साइड, तो क्या है, इतना मीठा नहीं रहता, स्पाइसी रहता है, ऑयली रहता है, गार्लिक वाला रहता है। अच्छा, देखिए जैसे मतलब इसमें जो हमारे पास ये साग है, इसमें कोई
हरी सब्जियां नहीं है। हाँ। जैसे आप देखें तो छोले है, लोबिया है, सेव टमाटर है, आलू है, तो ऐसा भी है कि काठियावाड़ जो रीजन है पूरा, इस तरह थोड़ा एरिड और सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे उतना वेजिटेशन होता नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब्जियों में, इन साग में हरी सब्जियाँ नहीं है। जैसा देखा जाए तो छोले है, लोबिया है, सेव टमाटर है, आलू है, ये सूखी भाजी है। इसमें देखिए सर, इसमें लाल मिर्च कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, काली मिर्च का यूज़ किया जाए और टमाटर डाला हुआ है। ये मस्त है, ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, स्पाइसी भी नहीं है, थोड़ा खट्टा रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा। जब भी मैं पूरी और सूखे आलू की सब्जी खाता हूँ, मुझे अपनी ट्रेन जर्नी ज़्यादा रहती है। अच्छा। जब ट्रेन में सफ़र में जाते थे छुट्टियों में अपनी नानी के घर, तो घर से यही पूरी और आलू सब्जी बना के ले जाते थे, सूखी सब्जी बना ली और पूरी के साथ अपना खाते हुए चले गए ट्रेन में, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और देखा आपने वो जो मैंने बोला था काली मिर्च, उसका फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है इसमें। और छाछ तो बांटते रहते हैं, बांटते ही रहते हैं। कितने बार छाछ पूछ चुके हैं आप मेरे से, दे ही दीजिए आप हैं। अब ये पूड़ी और छोले, यहाँ पे छाछ में क्या रहता है, ऐसा बोला जाता है कि भाई खाने के साथ छाछ पियो तो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे छाछ पीने के दो कारण हैं, एक तो आपके सौराष्ट्र रीजन में गर्मी बहुत पड़ती है तो ये थोड़ा ठंडक पहुँचाता है, और सेकेंडली आपका जो खाना है वो भी स्पाइसी है, तो स्पाइसी खाना खाने के बाद थोड़ा कुछ चाहिए जो स्पाइसेस को हल्का कर दे, हैं, तो इसलिए छाछ ज़्यादा पीते हैं। यस, हैं, सही। आइए, आप डाइजेशन में भी अच्छा हेल्प रहता है, मतलब हम लोग भी गर्मियों में बहुत पीते हैं घरों पे। और ये है आलू की सब्जी रस्से वाली। ये खट्टी मीठी सब्जी है। अच्छा। हाँ, इसमें टमाटर का अच्छा खट्टापन है, ये है। लेकिन जो जितनी भी सब्जियाँ हैं सबका फ्लेवर्स अलग है, किसी में लहसुन तेज है, किसी में काली मिर्च है, किसी में टमाटर है, तो सब में अपना फ्लेवर प्रोफाइल सबका अलग है। बहुत बढ़िया। अब मेरी एक लास्ट सब्जी रह गई है, चोली। ये पंजाबी बहुत खाते हैं भाई, ये लोबिया। ये देखने में बिल्कुल लाल रंग की है लेकिन स्पाइसी नहीं है। अगर पूड़ी और सब्जी से ली जाए तो कितने की प्लेट मिलती है? 50 रुपये। 50 रुपये? हाँ, इसमें 10 पूड़ी आएगी, एक सब्जी आ जाएगी कोई भी, 50 रुपये। थोड़ा सा ये ट्राई करता हूँ, ये ट्राई नहीं खाया, पपीते का लच्छा, क्या बोलते हैं, संभारो। पपयानो संभारो। तो इसको खाने का तरीका कैसे है, ऐसे ही साथ में? हाँ, वैसे ही। फिर गाठिया के साथ भी ये ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे। ये कच्चा पपीता का बनाते हैं? हाँ। तो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक चलता है ये? नहीं, दोपहर तक। दोपहर तक रहेगा? 3 बजे तक। ब्रेकफास्ट और लंच तक चलता है? दोपहर तक, सुबह में 7 बजे शुरू हो जाता है। तो आपके राजकोट में भी सिंधी लोग काफ़ी रहते हैं? बहुत रहते हैं। हाँ, हाँ। और ये दाल पकवान का चलन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ध्यान आया कि सबसे ज़्यादा सिंधी पूरे हिंदुस्तान में गुजरात में रहते हैं। पूरे गुजरात में फैले हुए हैं जगह जगह पे। और अभी क्या है, सभी गुजराती लोग वो डिश को अभी अपनाने लगे हैं, सभी को अच्छा लगता है दाल पकवान, और चीप प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में हेल्दी है और हेवी भी है, दाल आती है ना, और जो पकवान है वो थोड़ा सा हेवी है, रहता है। लेकिन मज़ा आता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा साईं, जय झूलेलाल। तो आनंद भाई, यहाँ तो फुल रौनक है, इधर टेबल्स लगी हुई है, लोग नीचे बैठ के भी खा रहे हैं और पूरी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई है। हा? अभी क्या है कि पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, 50 रुपये में आज तो वड़ा पाव भी आता है, तो 50 रुपये में 5 रोटी, 2 सब्जी, दाल, राइस, सब चीज़ वो 50 रुपये में फिक्स थाली मिलती है। अच्छा खाना है, देखना फर्स्ट क्लास मशीन पर रोटी बन रही है, मशीन पे रोटी बन रही है, सबको साफ सफाई से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और आप देखिए पार्सल बनता ही जा रहा है, क्योंकि ये प्राइस क्यों है, राजकोट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पास में ही है, तो वो लोग भी आते हैं, पार्सल लेके जाते हैं।
तो बढ़िया अपना सादा भोजन मिल जाता है। हाँ। लिमिटेड 50 रुपये में। 50 रुपये में वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो सलाद रहता है, अचार रहता है, वो सब रहता ही है कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखा है तो ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। हाँ। जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में आपको खाना मिल सके। हाँ। और यही उद्देश्य है स्ट्रीट फूड का। हाँ। कि सस्ता खाना हो, अच्छा खाना हो और फ्रेश खाना हो। फ्रेश खाना वो तीनों चीज़ें यहाँ पे है। हाँ। ये लंच के टाइम पे ही होता है, दोपहर तक ही होता है यहाँ पे। अरे क्या हुआ, आधा सोडा बर्बाद करवा दिया मेरा आपने। वो फ्लो ही ऐसा होता है। ये क्या था, ये रख दो मैं और बना के देता हूँ। नहीं ये तो मतलब वेस्टेज है, ऐसे ही दे दो मेरे को। कोई नहीं, कोई नहीं, रख दो आप। और दूसरा ले लो। रेडी पकड़ो सर, सोडा पकड़ो आप। ये गुट में पूरा खत्म ही करना है। अरे